नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। गाजीपुर की कोतवाली में आज पुलिसकर्मियों के लिए एक पाठशाला का आयोजन नए ट्रैफिक रूल्स और चालान को लेकर किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने कोतवाली से संबंधित सभी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के साथ ही यातायात पुलिस की क्लास लिया, जिसमें उन्होंने नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुराने सर्कुलर और नए सर्कुलर को लेकर चर्चा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस और शासन का मंशा हेलमेट न लगाने वालों से जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन रक्षा के बारे में सतर्क करना है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2019 से अब तक हेलमेट न लगाने से जनपद में कुल 107 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में हमें खुद सोचना होगा कि हेलमेट हमारे लिए कितना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जनवरी से अब तक करीब 16,000 चालान सिर्फ हेलमेट न लगाने पर काटा गया है। इससे करीब 17 लाख रुपए की राजस्व की वसूली भी हुई है। ये एक अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसमें एक ओर हम पब्लिक को संवेदनशील बना रहे हैं कि उसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, और ख़ास करके ऐसी चीज़ें, ऐसे वायलेशंस जहां उसकी खुद जान खतरे में रहती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिना हेलमेट पहन के दुपहिया वाहन चलाना है। हम अभी अपने साथियों से बात कर रहे थे कि इस वर्ष केवल अभी 1 जनवरी से जनपद गाजीपुर में 107 मौतें हो चुकी हैं रोड एक्सीडेंट के पीड़ितों की। ये एक बड़ी गंभीर स्थिति है, हमें इसमें सुधार लाना चाहिए। एक ओर हमें लोगों को सजग करना चाहिए और दूसरी ओर शासन की नीति के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी हाल में कुछ परिवर्तन हुए हैं कंपाउंडिंग रेट्स में, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शीघ्र ही सर्कुलर निकाला जाएगा और जो पिछला सर्कुलर है उसको रूल करते हुए उन दरों पर कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं कि इस समय ई चालान हो रहा है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ई चालान ऐसी व्यवस्था है जिस पर मौके पर ही चालान होता है। अगर आप मौके पर कैश चालान देना चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा जो नोडल ऑफिसर गाजीपुर में जैसे COCD का ऑफिस है वहां आकर आप जो कंपाउंडिंग की राशि है वो जमा कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में ये ऑनलाइन हो जाएगी। आप जो चालान आपका किया जा रहा है इसकी सूचना आपके नंबर पर जाएगी और आप ऑनलाइन भी अपना चालान भर सकेंगे। इससे पारदर्शिता रहेगी, कोई शिकायत की स्थिति पैदा नहीं होगी और लोगों में भी ये भय होगा कि तत्काल उनका चालान होगा, और अगर सेकंड ऑफेंडर है तो चालान बढ़ जाएगा, अगर थर्ड ऑफेंडर है तो उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी 6 महीने के लिए सीज कर दिया जाएगा। इस प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हेलमेट पे ज़्यादा कार्रवाई की गई, कितने कार्रवाई की गई और क्या राजस्व की वसूली की गई? हेलमेट पर जनपद में जो 1 जनवरी का अगर आंकड़ा लें तो लगभग 16,500 चालान काटे गए हैं जनपद में, जिनसे 17,60,000 रुपये चालान वसूला गया है।